तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। जी हाँ, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के हम पे हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बात की थी फंडामेंटल के बारे में। आज हम बात करेंगे कि माइक्रो प्रोग्रामिंग की कोडिंग, इस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको एक्सेल में डेवलपर टैब होना चाहिए। तो एक्सेल में डेवलपर टैब कहां से आएगा? तो फाइल मेनू बार में अगर आप जाते हैं तो फाइल मेनू बार के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन, और ऑप्शन में आप जाएंगे कस्टमाइज रिबन, और यहां पे आप शो डेवलपर टैब करेंगे। अगर आपके पास 10, 13, 16, 19 वर्जन है तो, लेकिन अगर आपके पास 7 है तो डेवलपर टैब जो है आपको यहां पॉपुलर जनरल में ही मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए सिक्योरिटी वार्निंग। क्या होता है कि अगर आप माइक्रो बनाते हैं और किसी को भेजते हैं, जब अपने सिस्टम में माइक्रो खोलते हैं तो डिफॉल्ट आपका माइक्रो नहीं रन होता है, क्योंकि माइक्रो की जो सिक्योरिटी वार्निंग होती है वो सिक्योरिटी वार्निंग डिसेबल होती है। तो माइक्रो सिक्योरिटी में जाके उसको अनेबल करना होगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डिसेबल और विथ नोटिफिकेशन होता है, इसको यहाँ से आप अनेबल कर देंगे तो आपका सही होगा। ठीक है, तो अनेबल ऑल माइक्रोस करना होगा। उसके बाद आपकी जो फाइल है उस फाइल को आपको सेव करना होगा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। एक्सेल की डिफॉल्ट सेटिंग होती है एक्सेल वर्कबुक, मतलब कि .xlsx का फॉर्मेट। तो .xlsx का फॉर्मेट जो होता है इसमें क्या होता है कि आपका एक्सेल डिसेबल होता है, मतलब वीवीए एक्सेल में वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग डिसेबल होती है, मतलब वीवीए को सपोर्ट नहीं करती है। तो बार बार आपको फाइल को इस पे फाइल टाइप जो है माइक्रो अनेबल वर्कबुक लेना होगा। गलती से आपने माइक्रो का टाइप अगर कोई और चूज कर लिया तो आपका माइक्रो डिसेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप माइक्रो वाली फाइल को सेव करें, या फिर आप बार बार भूल जाते हैं मेरी तरह बिल्कुल, तो आप ऑप्शन पे जाके सेव पे जाके आप यहां से एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक को सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपको क्या होगा, बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उससे पहले करने पड़ेंगे माइक्रो काम करने से पहले, चाहे कोई माइक्रो यूज करते हैं तो हम आगे बढ़ने से पहले हम रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में समझाया था कि जो रिकॉर्डिंग माइक्रो आपका है वो रिकॉर्डिंग माइक्रो एक फीचर है, मतलब कि वो भी कहता तो वीवीए प्रोग्रामिंग वो भी है, लेकिन एक आपके पास टूल्स है ऑटोमेटिक प्रोग्राम लिखने का कोड, कुछ भी आप करें तो खुद ब खुद उस प्रोग्राम को लिख देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस रिकॉर्डिंग माइक्रो को ऑन किया एंड ओके किया, और मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे पूजा लिखा, तो A1 पे पूजा लिखने की जो कोडिंग है वो कोडिंग इस रिकॉर्ड माइक्रो ने ऑटोमेटिकली करके एक माइक्रो बना दिया। इसकी एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी कोड को देख पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब हमारे पास एक्सेल में ऐसा टूल्स अवेलेबल है जो खुद ब खुद प्रोग्रामिंग कर दे तो हम क्यों प्रोग्रामिंग करें, समझे कि हम करें तो क्यों प्रोग्रामिंग करें। जब एक्सेल खुद ब खुद प्रोग्रामिंग कर रहा है तो मेरी क्या जरूरत है प्रोग्रामिंग करने की।
तो इसमें इसका सॉल्यूशन ये है कि जो एक्सेल प्रोग्रामिंग कर रहा है वो डायनेमिक नहीं है, वो रिपीट क्या बोलते हैं उसको, डायनेमिक नहीं है वो, आपका रिपीटेशंस नहीं है, कंडीशंस नहीं है, तो बहुत सारी चीज नहीं कर पाता है। मतलब ये समझिए कि आपका 5% से भी कम यूज कर पाएंगे आप माइक्रो अगर रिकॉर्ड पे चलते हैं तो। कनेक्टिविटी हो गया आपका, कंडीशंस हो गया आपका, रिपीटेशन हो गया आपका, डायनेमिक करना हो गया, ये सब चीजें नहीं होती है। तो आखिर इसका यूज होता क्या है? तो दो पॉइंट है इसका, एक लर्निंग पॉइंट्स है। जैसे कि आप लोग न्यू लर्नर हैं तो हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहेगी, आप मैक्रो बनाएंगे तो कन्फ्यूजन रहेगी कि किस मेनू बार का क्या कोड है। जैसे कि मान लीजिए मुझे कॉपी करना है तो क्या कोड लिखे, तो आप माइक्रो रन कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर पेस्ट कर लीजिए, और फिर आप माइक्रो में जाके इसकी को माइक्रो टू में जाके इसकी कोडिंग को देख सकते हैं कि क्या कोडिंग है। ए वन सेलेक्ट सिलेक्शन डॉट कॉपी, बी वन सेलेक्ट एक्टिविटी डॉट पेस्ट, एप्लीकेशन डॉट गो रेफरेंस माइक्रो टू, ठीक है। तो ये चीजें हम यहां देख लेंगे, और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो हमें समझ में भी आएगा। तो अतीश जी, पुष्पेंद्र जी एंड जाहिद जी, अब यहां पे एक नया काम आता है। तो आप लोगों को सबसे पहले एक रजिस्टर लेना है, क्या लेना है, रजिस्टर लेना है, और उसमें आपको फाइल मेनू बार से स्टार्ट करना है डेवलपर तक, जितने भी ऑप्शन है सबके कोड्स को समझ रहा है कि आखिर कोड क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने आपको फाइल मेनू बार में, छोड़िए मैं इसमें आता हूं, भाई मुझे बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने का क्या कोड होता है? तो मैं इसके लिए यहां पे क्या करूंगा, कि रिकॉर्ड करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और बोल्ड कर दूंगा। अब इसका कोड क्या बना, तो इसकी कोडिंग को जाके हम माइक्रो थ्री में देखेंगे। ये रहा माइक्रो, ये बी टू डॉट सिलेक्ट एंड सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट ट्रू बोल्ड सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट इक्वल टू ट्रू, एक कोड हो गया। इसको समझिए, सिलेक्शन मतलब कि जो ए वन सिलेक्ट हुआ दैट इज सिलेक्शन, ठीक है, समझ में आया? जी सर, डाउट इसमें? नो सर, तो एक काम आपको ये करना है कि लिख देनी है। तो एक तो वी पॉइंट, इससे क्या होगा, एक्सेल, क्योंकि एक्सेल में जब वीबीए प्रोग्रामिंग करेंगे तो ट्रिगर जो करेंगे वो ट्रिगर तो एक्सेल के फीचर्स को ही करेंगे ना। तो अगर मैं मान लीजिए कि मैं जी हर फीचर का एक एक कोड बताने लगूंगा तो काफी टाइम लगेगा। तो हमें वीवीए की प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे ध्यान देना है ज्यादा, ये तो आप खुद बखुद भी निकाल सकते हैं ना, क्या बोला है सर? ये तो आप खुद बखुद भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको देख जी लीजिए, जिस ऑप्शन का कोड आपको समझ में नहीं आएगा उस ऑप्शन का कोड हम आपको समझा देंगे, ओके। फाइन अब दूसरा जी सर, आता है एक, ये तो होगी वीवीए की लर्निंग कंसेप्ट कि आप एक वीवीए को कैसे लर्न करोगे, तो इसको हम लोग लर्निंग कंसेप्ट कह सकते हैं।